पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे चंद्रशाह, इमरान तेरे चंद्रशाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी के इंसान, इमरान खान रहीम क्या नाम बदू मैया करसाइन अल्लाह तेरी मदद करते और तेरे से मदद मांगते इंसान अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि 15 साल हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और जो दो जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी इसको हम तोड़ दें। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमारी आज आवाज सुन ली। आज मीनारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हमारी बात सुन ली है, लेकिन लोहारियों जाग जाते हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, तरीके इंसाफ के कारकुनों, ISF और यूथ पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ के जो आज कारकुन आए हैं उनको भी मुबारक देता हूं। क्या आज आपने अपना किबला दुरुस्त कर लिया? मैं यहां खुशामदेद कहता हूं अपने रिक्शा वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को, रेडी वालों को, वालों को, मजदूरों को, किसानों को, सरकारी नौकरों को जो छुप छुप के आए हैं यहां, पुलिस वालों को जो आज अंदर से खुश हो रहे हैं कि जेल जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आज सबसे ज्यादा खराज तहसीन पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहता हूं। कि आपने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, आपने लाहौरियों को जगा दिया, Thank you.
खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि इमरान खान आपने लाहौर से क्यों आगाज किया। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आजम ने 1940 में इधर से आगाज किया पाकिस्तान की तारीख का। उसके बाद इलामा इकबाल मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने लिखा कि लाहौर को जीतना सबसे जरूरी है पाकिस्तान की तहरीक के लिए। और मैं कैसे भूल जाऊं दाता गंज बख्श को, अल्लाह ने दाता साहब को अफगानिस्तान भेजे थे, उन्हें हुक्म किया कि लाहौर जाओ, यहां से उन्होंने आगाज करवाया शाम का। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि कोई ताकत, ना वो आसिफ जरदारी और ना नवाज शरीफ, ये अब नहीं रोक सकते शराब को। जो इसके सामने खड़ा हुआ बह जाएगा। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को पार्टनरशिप तोड़नी आती है। एक बहुत जबरदस्त इन स्विंगर आने वाला है, ये पहला गेंद होगा जो दो बैट्समैनों की विकेटें उड़ा देगा। मैं ज्यादा देर माजी के सियासतदानों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी देर करूंगा। पहले मैं आसिफ जरदारी साहेब, आसिफ जरदारी तुमने भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर करके कितना जुल्म किया है। कहां जुल्फिकार अली भुट्टो और कहां आसिफ जरदारी। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि एक नेशनलिस्ट था, वो एम्पीरियलिज्म के खिलाफ था, उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। और आसिफ जरदारी तुमने कमाल कर दिया, रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे हैं।
लेकिन इससे बड़ा कमाल आपने क्या किया, गौर से सुने नौजवानों, सुना मेरी बात, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन कानी, उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, पानी देना, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। इकबाल ने ख्वाब दिखाया था, कायद ने उसे बनाया था, हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें मिलकर उसे सजाना है, हम पाकिस्तान के बेटे और को अमरीकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। और मियां साहब पहले तो खुदा के वास्ते ये परसों तुमने ये क्या पटवारियों का जलसा किया है, अगर कोई जलसा करना था तो थोड़ी सी शेरी दिखानी थी, ये गीदड़ों का क्या जलसा किया वहां। लेकिन मियां साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप आसिफ जरदारी जैसे मच्छरों का कैसे मुकाबला करेंगे, आप मच्छरों का तो कर नहीं सकते, हम एक हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। मैं ये माजी के सियासतदानों की अब बात नहीं करना चाहता, आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूं बड़े गौर से सुने, एक नए पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपका मुल्क एक बहुत अमीर मुल्क है, यह गरीब मुल्क नहीं है। हम मदनियात के जखीरों पे बैठे हुए हैं, जिस पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है, जिधर बेचारा किसान 12-12, 18-18 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जिधर शहरों के अंदर नौजवान पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, जिस पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस और बिजली नहीं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है, जो मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क में 180 अरब टन का कोला पड़ा हुआ है, 180 अरब टन के कोले का मतलब कि पाकिस्तान दुनिया को बिजली बेच सकता है।
180 अरब टन कोले का मतलब कि इस मुल्क के अंदर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली है। अब भूल के सब नफरत झगड़े, आओ मिलकर हम सब साथ चले, फिर उगलेगी धरती सोना और महकेगा कोना कोना। और मेरे भाइयों, उसके अलावा पाकिस्तान में जो पानी से बिजली बन सकती है वो 60,000 मेगावाट है। वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें पैसा, कमीशन, रिश्वत नहीं बनती। आप सिर्फ, मैं आज आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ जब आएगी सिर्फ एक काम करेगी, वापडा के अंदर जो जनरेशन प्लांट है जो 25% पे चल रहे हैं, अगर हमने उनको 70% पे चला दिया जो दुनिया में चलते हैं, पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो जाएगा। लेकिन करप्ट लीडरशिप ये नहीं कर सकती, इसकी तरीके इंसाफ की लीडरशिप इंशाल्लाह आपको करके दिखाएगी। दूसरी चीज, और आप मेरी गौर से बात सुनाएं, नौजवानों गौर से मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? करप्शन, करप्शन की वजह बेरोजगारी, करप्शन की वजह से महंगाई, करप्शन की वजह से आज हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ टैक्स चोरी और करप्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हर साल हो रहा है? 3,000 अरब रुपया। फिर से सुन ले, 3,000 अरब रुपया सिर्फ करप्शन की चोरी, करप्शन की वजह से और टैक्स की चोरी से हुआ है। ये कौन खत्म करेगा? ये तरीके सब खत्म करके दिखाएगी। कैसे, कैसे करेगी? सबसे पहले हम तहरीक साफ एक कानून बनाएगी कि कोई पाकिस्तान सियासत में नहीं आ सकता जो अपने असासे डिक्लेयर ना करे। जिस दिन असासे डिक्लेयर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इन सबसे पूछेंगे कि जनाब, ये अरबपति आप कैसे बन गए, कैसे पैसा कमाया? एक वजीर कहता कि मुझे तो पता ही नहीं, 4 करोड़ बैंक में आ गया, पता नहीं किधर से आ गया। आपके बैंक में कभी 4 करोड़ रुपया आया है? कहता पता नहीं किधर से आ गया 4 करोड़ रुपया। दूसरी तरफ हमारे सारे सियासी लीडरों की जायदाद और पैसा पता क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा? 5 मिनट अजान का वक्फा, 5 मिनट बड़ी जरूरी बातें करनी है, खड़े रहें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लाहौर में जलसा, इमरान खान खिताब कर रहे, और अब इस वक्त इस जलसे में अजाने इशा का वक्फा है। इमरान खान ने अपने खिताब में मियाज शरीफ को, सदर आसिफ जरदारी को,
कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है जिसे अल्लाह ने मादनियात की दौलत से बालामाल किया है। इमरान खान के इस जलसे में वो शुरका जो सबसे मौजूद हैं उनको यहां पर उनका जोश व जज्बा वलवला ताजा रखने के लिए मुसलसल रखने के लिए। इमरान खान का ये कहना था कि अवाम का सुनामी आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ अब नहीं रोक सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मीनार पाकिस्तान पर और इमरान खान खिताब कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि उन्हें इस तब्दीली लाने के लिए 15 साल की मेहनत करनी पड़ी। उन्हें गिला है कि लाहौर बहुत देर से जागते हैं लेकिन जदाग जाए तो इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान का कहना है कि हुक्मरानों ने फौज से बचाने के लिए अमरीका के सामने हार मानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और इमरान खान इसे खिताब कर रहे हैं। नमाज ऐशा का इसलिए इस वक्त वक्फा है और इमरान खान ने जलसागाह में स्टेज पर ही इस जलसे की कामयाबी पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उनका कहना था कि आवाम जान लें कि पाकिस्तान एक गरीब नहीं बल्कि अमीर मुल्क है। पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है लेकिन अगर ये करप्ट माफिया इस मुल्क में ना हो तो पाकिस्तान दुनिया भर को बिजली फराहम कर सकता है। उनका कहना था कि मुल्क में 180 टन कोयला मौजूद है लेकिन करप्शन इस हद तक पाकिस्तान में बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान नुकसान में है। जो पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करेगा और करप्शन खत्म करेगा क्या नवाज शरीफ कर सकता है? ओ मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त क्या आसिफ जरदारी कर सकता है? जरदारी तो कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करता है। इंशाल्लाह हम आप इस मुल्क में आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे और आपको ये करप्शन जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया हम आपको करप्शन का मुकाबला करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये बड़े बड़े मगरमच्छों को हम इंसाफ के कट्टे खड़ा करेंगे। इनके अभी तक पाकिस्तान का कर्जा कितना है? बैरूने मुल्क का कर्जा $60 अरब। स्विस बैंक में पाकिस्तानियों का कितना पैसा पड़ा है? तकरीबन $100 अरब। ये कौन लेके आएगा वापस? ये आपका खादिम इंशाल्लाह इमरान खान लेके आएगा। और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जुल्म कैसे खत्म करेगी ये गौर से सुने। हमारे बेचारा आवाम थाने कचहरी और पटवारी की सियासत में जकड़ा गया है। वो थानेदार से बचता है तो वो जाके पटवारी के यहां फंस जाता है। वो बेचारा कचहरी में जाता है कचहरियों में इंसाफ बिकता है मिलता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको आज वादा करता हूं कि पाकिस्तान को पटवारियों से निजात हासिल करवा देंगे। पाकिस्तान वो थोड़े से मुल्कों में रह गया जिधर अभी भी पटवारी बसते हैं। और पटवारी क्यों बसते हैं? क्योंकि अगर पटवारी नहीं होगा तो कब्जा ग्रुप नहीं होगा और पाकिस्तान की असेंबलियां कब्जा ग्रुपों से भरी हुई हैं।
ये कभी पटवारी को नहीं जाने देंगे। अपने से यह सवाल पूछें कि जैसे ही कोई एमएनए या वजीर बनता है अपना पटवारी क्यों रखवाता है? क्योंकि पटवारी ऊपर तक माल देता है, आपसे माल लेके ऊपर तक खिलाता है। सिर्फ हमने पाकिस्तान में सारी जमीनों को कंप्यूटराइज करना है जो सारी दुनिया में है, और दूसरी चीज हमने थाना कल्चर कैसे बदलना है? सबसे पहले तो पुलिस को गैर सियासी बनाना है। आज अगर कराची में पुलिस गैर सियासी हो जाए, कराची में अमन आ जाएगा। लेकिन जब जमातें अपने कारकुनों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, दहशतगर्दों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, उस मुल्क में, उस शहर में अमन कैसे आ सकता है? हम इंशाल्लाह पहले तो पुलिस को गैर सियासी करेंगे, उसके बाद थानेदार की इलेक्शन होगी। जिस तरह अमरीका में शेरिफ इलेक्शन होती है, जब थानेदार अवाम से इलेक्ट होके आएगा वो कभी अवाम के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। और अब हमने अपने गांव के लोगों को कैसे आजाद करना है? गुलाम है, गुलाम क्या? क्योंकि उनके ऊपर थाने में जुल्म करवाता है, ताकतवर, उनकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है। 60% अदालतों में केसेस थाने की वजह से या जमीन की वजह से या पानी की वजह से। हम पटवारी को तो गायब ही कर देंगे और थाने को डील कर देंगे। और फिर तहरीक इंसाफ एक बल्दियाती निजाम लेके आएगी पाकिस्तान में, जो कभी कोई जमहूरी मत नहीं लेके आती। वो क्यों नहीं लेके आती? क्योंकि माल बनाना होता है, पैसा खाना होता है, लोगों को गुलाम बनाना होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि गांव के सतह के ऊपर लोगों को आजाद करेंगे, गांव की सतह पे लोगों को मुफ्त इंसाफ दिला के दिखाएंगे। आपको बेचारे गांव के लोग थाने और कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। ये जो बड़े बड़े दो नंबर सियासतदान जो थानेदार रखवा के लोगों पे जुल्म करवाते हैं, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, इनके दिन खत्म होने वाले हैं। बल्दियात की सतह के ऊपर हम बल्दियाती पंचायतों के नीचे प्राइमरी स्कूल डालेंगे, हेल्थ यूनिट इंशाल्लाह डालेंगे, ताकि गांव के लोगों को अपनी जिंदगी पे इख्तियार हो। ये नहीं कि वो आए खादिम आला के पास और धक्के खाते फिरे। ये नहीं, गांव पर गांव को हम खड़ा करेंगे, इख्तियारात देंगे, उनको अपने पैर पे खड़ा करेंगे, उनको आजाद कर देंगे। अच्छा, ये मुझे भी पता चला है कि फिर से केवल चैलेंज बंद कर दिए हैं। मैं शरीफ ब्रादरान, मेरी गौर बात सुन लो, तुम्हें आदत पड़ी हुई है एम्पायर साथ मिला के खेलने की, ये तुम्हें एम्पायर नहीं बचा सकेंगे। इंशाल्लाह ये अवाम का सिलाब जो आ रहा है, आप चाहे चैनल बंद भी करवा दें, आप जो मर्जी कर लें, ये अब आप तब्दीली का इनकलाब आप नहीं रोक सकते।
बलोचिस्तान के लोग के लिए। बलोचिस्तान वो इलाका है जिधर सिर्फ जो तांबे के जखीरे हैं वो 260 अरब डॉलर के हैं। बलोचिस्तान वो इलाका है जिधर सुई गैस के साथ एक और जैन गैस मिली है उनको, जो सुई गैस से भी ज्यादा गैस पड़ी है उधर। बलोचिस्तान वो इलाका है जिस इलाके के ऊपर हमने बड़ा जुल्म किया है, बलोचिस्तान के लोगों से हमने जुल्म किया है। तहरीके इंसाफ अपने बलोची भाइयों को साथ मिलाएगी, हम इनको अपने साथ मिलाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करेंगे, टारगेट किलिंग खत्म करेंगे, अपने बलोची भाइयों को भाई बनाएंगे, कॉलोनी नहीं बनाएंगे भाई बनाएंगे। मैंने अभी भी अख्तर मैंगल से बात की, मैं अभी करने लगा हूं जो नवाब कलाद का बेटा है उसके साथ भी मैं बात करूंगा, इनसे मुलाकातें करेंगे। आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ एक इंसाफ की तहरीक है, आपसे इंसाफ करेंगे, आपको भाई बनाएंगे, आपको पाकिस्तान में वो स्टेटस देंगे जो अभी तक किसी ने आपको नहीं दिया। और अब मैं आता हूं ये दहशतगर्दी की जंग पे। ये जो अमेरिका ने अमेरिका हमारे हुक्मरानों ने डॉलरों के लिए अपनाई, मैं आप सबके ऊपर लानत भेजता हूं। शर्म आनी चाहिए, अब लोगों का खून बचा तुम्हें डॉलरों के लिए। तुम्हारा इंशाल्लाह मैं जो जो जिम्मेदार है इन सब इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे। 35,000 पाकिस्तानी मरवाए तुमने, औरतें बच्चे मरवाए डॉलरों के लिए। जो लोग थे किसी का बाजू नहीं किसी की टांग नहीं, डॉलर के पूजा करने वालों तुम्हारा हम इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। हम तीन पहले हमने कबाली इलाके बड़े बड़े मौजूदीन को बुलाया, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि उन सारे कबायली मौजूदीन ने यह कहा जो कि तहरीक साफ 7 साल से कह रही थी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस और ड्रोन की वजह से दहशतगर्दी मिलिट्री पर पता लेने के लिए लोग ताले बन रहे हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी कम हो रही है ना, इंतहा पसंदी कम हो रही है और ना ही अमन की कोई चांस है। सब ने ये कहा, ये और से सुने जो तहरीक इंसाफ का मकसद था, उन सब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज कबाइल से निकलती है और अगर हम अमेरिका की जंग से निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें हम कबायली लोगों के ऊपर हाथ छोड़ दो, हम खुद ही दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। कबाइल में कबायली इलाके में 10 लाख मुसल्ला लोग रहते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डियां, इनके ऊपर बमबारी करके ड्रोन अटैक्स करवा के हमने इनको दूसरी तरफ भेज रहे हैं, इनको इंतहा पसंदी की तरफ भेज रहे हैं। तहरीक इंसाफ डायलॉग करेगी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करेगी, इनको अपने साथ मिलाएगी और असल दहशतगर्दों को इनके ऊपर छोड़ देंगे। और अमेरिका को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे।
हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में निकलने से, हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से जाकर निकल जाएं, लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सबसे पहले चीज दो चीजें कहेगी, गौर से सुने, दो चीजें कहेगी। पहले तहरीक इंसाफ यह कहेगी कि कभी पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। क्या मैं बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांगता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अपने लोगों के हम खड़ा करेंगे। ये वो कौम है, पाकिस्तान खबर से कराची तक एक ही नारा एक ही नाम, इमरान खान इमरान खान। हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि भिखारियों की कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता। वो जब आप भीख मांगते हैं तो वो चाची क्लिंटन आके हर रोज झाड़े देती है, बेशरम लाइन में खड़े हो जाते हैं झुक झुक के उसके सामने। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी, हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाएगी। दुनिया में नौजवानों, मेरा वादा है, आप दुनिया में जिधर हरा पासपोर्ट लेके जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह करप्शन खत्म करके, कानून की बालादस्ती कायम करके, आजाद नैब बना के, आजाद अदालतें बना के, इस मुल्क में इतनी सरमायाकारी आएगी इंशाल्लाह, इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने डॉलर आएंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क में डॉलरों की बारिश कर देंगे। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। देना चाहता हूं अपने मजदूरों को, जितने हमारे मजदूर हैं ये सुन लें कि हम आपको वो आपके हकूक दिलवाएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिए। हम आपके साथ खड़े होंगे इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने कोई सियासी नारे मार रहा हूं, इसलिए कि मैं एक मुसलमान और इंसान हो के ये मेरा फर्ज है कि हम कमजोर तबके के साथ खड़े हों। आज पाकिस्तान का मजदूर मारा गया है, महंगाई ने उसको बर्बाद कर दिया है। हम मजदूरों के साथ खड़े होंगे, आपको हुकूक दिलवाएंगे, बल्कि मैं एक कदम आगे जाता हूं। हम जो घर में मुलाजिम हैं, लोग जो लाजमत पूछता नहीं, कई लोग जानवरों की तरह रखते हैं, हम मुलाजमों को हुकूक दिलवाएंगे इंशाल्लाह घरों में।
और मैं अब ख्वातीन को कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान की ख्वातीन के लिए मेरा यह पैगाम है कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो आपके हकूक दिलवाएगी। कौन से? सबसे पहले हम तालीम, हम खासतौर पर ख्वातीन की तालीम को मजबूत डिक्लेयर करेंगे। कितनों को तालीम मिलेगी वो खुद हकूक के लिए खड़ेगी। दूसरी चीज, और मुझे ये बड़े अफसोस से कहना है कि ये इस्लाम नाम पे जो मुल्क बना था, जो औरतें, जो बेचारी औरतों को और अक्सर औरतों जायदाद में जो शरिया में हिस्सा लिखा हुआ है वो नहीं मिलता नारियों को, हम दिलवा के दिखाएंगे उनको। और मैं खातीन को ये भी कह दूं कि जब कानून की बालादस्ती होगी कोई ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे मुल्क में जो अकलियतें हैं, मसीह बरादरी है, हिंदू हैं, सिख हैं, तरीके इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, कोई जाति आपसे नहीं होने देगी, आपके हक के साथ खड़े होंगे। और मैं कश्मीर के मुतालिक कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। क्या अमरीकी कामयाब हो गए अफगानिस्तान में? क्या हिंदुस्तान की फौज अमरीका से ज्यादा ताकतवर है? जब अमरीकी नहीं कामयाब हो सके, आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, अब कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक दो, फौज को वापस लाओ, ये हर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीर के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक के लिए हर फ्रंट पे बात करेगी। और फॉरेन पॉलिसी में हम चाइना से दोस्ती करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, चाइना की मदद लेंगे। आज रात मैं चाइना मंडे इनविटेशन पे, मैं आज रात चाइना दौड़ करने जा रहा हूं गवर्नमेंट के इनविटेशन पे। चाइना के साथ मजबूत करेंगे ताल्लुकात। हम पंजाबी पठान नहीं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं आपको जाने से पहले एक पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं तहरीके इंसाफ के वो नजरियाती साथी जो 15 साल से हमारे साथ मार खा रहे हैं, उनको मैं आज खराज तहसीब पेश करना चाहता हूं। मैं अपने तहरीके इंसाफ के नौजवानों को जो आज इतनी दूर दूर से शिरकत करने आए हैं, आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बस यार बस। और आखिर में अब मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, आज ये मीनारे पाकिस्तान का मजमा गौर से सुन ले। मैं आज आसिफ जरदारी आपकी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहले हम आपको अब चंद महीने देंगे जिसमें आज ये सारा मजमा और सारा पाकिस्तानी कौम आपसे एक चीज चाह रही है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपने एहसास से डिक्लेयर करो। तहरीक इंसाफ एक सेल बना रही है, इस सेल के अंदर हम 3-4 महीने में सारे सियासत के एहसास उनकी खुद करेंगे। उसके बाद हम आपसे डांट करेंगे
कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अपने असासे डिक्लेयर करें, क्योंकि जब तक असासे आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना करप्शन खत्म हो सकती है, ना टैक्स इकट्ठा हो सकता है, ना पाकिस्तान पैर पर खड़ा हो सकता है। उसके बाद अगर आपने चंद महीने का, मैं भी साहब को कह रहा हूं, फिर ना कहना जमहूरियत खतरे में है, क्योंकि जमहूरियत तो आप खतरे में डाली हुई है आपने। ये हमारा हक है, ये सारे पाकिस्तानियों का हक है कि हम हुकूमत से पूछें कि इनके बड़े बड़े वजीर, ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो, और अगर आपने ना किया आज गौर से सुन ले, फिर ना कहें हमने आपको बताया नहीं था। हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना, लुटेरों को मुल्क से बचाना है, आपने बचाना है, हमने बचाना है। और जब मैं फिर से कह दूं, अगर आपने चंद महीनों में एहसासे ना डिक्लेयर किए, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पास आजाद इलेक्शन कमीशन के लिए भी जाएंगे, क्योंकि आप तो न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेल सकते। और हम, अगर आपने ना किया, सारे पाकिस्तान के शहरों में तहरीके इंसाफ के नौजवान सारे पाकिस्तान के शहर भी बंद कर देंगे और सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू कर देंगे। और आज मैं ये जलसा जब खत्म हो रहा है, मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देता हूं। मुझे पता है यहां बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जलसा देख रहे हैं, सारे जो हमारे मेहनत कश बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि तब्दीली नहीं आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, मीनारे पाकिस्तान में एक जमे गफीर जो मौजूद है उससे खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वो तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं, उन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं जो बैरून मुल्क बैठकर तहरीक इंसाफ के इस जलसे को देख रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली